हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पर्ट सीपीएम का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। अभी पर्ट सीपीएम का क्वेश्चन जो भी है, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ को प्लॉट किया है। यस, फर्स्ट 1-2 एक्टिविटी है, वो 1-2 एक्टिविटी, 1-3 एक्टिविटी एंड 1-4 एक्टिविटी। मतलब 1 में से 3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो 1 से 2, 1 से 3 एंड 1 से 4। देन 2 से 3 एक्टिविटी, तो 2 से 3 एक्टिविटी हो रही है। 2 से 6, मतलब 2 से 6 हो रही है। फिर 3 से 5 एंड 3 से 6, 3 से 5 एंड 3 से 6, क्योंकि यहाँ से 2 से 6 कॉमन हो रही है। 4 to 5, 4 to 5, देन 5 to 6, 5 to 7, 5 to 6, 5 to 7 एंड 6 to 7, एंड 6 to 7। यहाँ पे डॉटेड लाइन इस हिसाब से है क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन 0 है, दैट मीन्स इट इज़ अ डमी एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो भी डार्क बनाया है उसका रीज़न क्या है, वो आपका सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। अब EST, EFT, LST, LFT की कैलकुलेशंस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। 1 से 2 की एक्टिविटी, 1 से 3 की एक्टिविटी, 1 से 4 की एक्टिविटी। मतलब 1 इज़ अ स्टार्टिंग इवेंट, उसका मतलब स्टार्टिंग 0 0 0 से हुआ और टाइम कंज्यूमिंग 8, 7 एंड 3 है, तो 0+8, 0+7 एंड 0+3, ये उसका स्टार्टिंग है। अब 2 से 3, तो 2 ख़त्म कहाँ पे हुई है, 1 एंड 2 यहाँ पे ख़त्म हुई है। मतलब आफ्टर 8 यू मे स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी, सो 8+6 इज इक्वल टू 14। 2 to 6, मतलब 2 खत्म कहाँ पे हुई है, तो 8 पे, तो 8 से ही स्टार्ट हो रही है, 8+8 16 हुआ। 3 to 5, 3 to 6, तो 3 खत्म कहाँ पे हुए, 7 पे, तो यहाँ पे मैं सॉरी 3 खत्म कहाँ पे हुई, यहाँ पे 2 3, 3 दो जगह पे खत्म हुई है, पेंसिल, 3 दो जगह पे खत्म हुई है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे 7 एंड 14, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो नंबर कैरी करेंगे, क्योंकि जो भी जब तक ये दोनों एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो 14 14 14+6, 14+ 10। अब नेक्स्ट है 4 to 5, तो 4 खत्म कहाँ पे हुई है, एक ही जगह पे हुई है, और उसका फिनिशिंग टाइम 3 है, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3+12 15। 5 खत्म कहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे 5 खत्म एक ही जगह पे हुई, तो इसका फिनिशिंग टाइम जो भी होगा वो नेक्स्ट एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा, 20+0, 20+6 26। और 6 खत्म कहाँ पे हुई है, 6 दो जगह पे ख़त्म हुई है, तो इसका 16 और इसका 18, तो सॉरी 20, 6 खत्म कहाँ पे हुई है, 1, एक ये और एक ये और एक ये, 3 है, 3 जगह पे ख़त्म हुई है, 20, 20 to 28। अब LST, LFT में करना है, तो ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो एंडिंग पॉइंट मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग कितना है, तो फिनिशिंग टाइम 28 है, 28 है, तो 7 पे मैंने 28 रखा, 28 माइनस 8 20 हुआ, 28 माइनस 6 22 हुआ। मतलब फिनिशिंग टाइम इन लोगों ने पहले लिखा है, जो हम बाद में लिखते हैं, 22 हुआ। अब 6 to 5 जो भी मिनिमम है, सिक्स का फिनिशिंग टाइम 20 है, तो 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 माइनस 0 20 हुआ। अब 4 to 5, 4 5 फिनिश कहाँ पे, ये दो जगह पे, तो 20 एंड 28 में मिनिमम जो है वो लेंगे, तो जाते वक्त मैक्सिमम लेना है और रिटर्न में मिनिमम, इस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है LST। एंड फ्लो टाइम, कोई भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग का डिफरेंस लो या फिर फिनिश फिनिश का डिफरेंस लो, वो आपको देगा, तो 8 सॉरी फिनिश टाइम 8 माइनस 8 0, 14 माइनस 7 7, 8 माइनस 3 5, तो इस हिसाब से आपका कंफर्टेबल EST, EFT, LST, LFT और फ्लोट टाइम का होगा। और यहाँ पे टोटल पाथ दिखाया है, कितने पाथ है, 1 2 3 6 एंड 1 2 3 6 एंड 1 3 6 एंड 1 3 5 6 एंड 1 3 5 7, 1 4 5 6 7,
वन फोर फाइव एंड सेवन, तो ये आपके डिफरेंट पाथ हुए। तो इस हिसाब से आपको सारे के सारे पाथ करके भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ वैल्यू। थैंक यू।